एटलांटो एक्सियल इंस्टेबिलिटी या AAI या फिर C1-C2 इंस्टेबिलिटी क्या होती है? हमारे स्पाइन के सबसे ऊपर के दो वर्टेब्राज या मणकों को हम C1 या C2 कहते हैं। ये C1 और C2 जो हैं ये हमेशा एक फिजियोलॉजिकल नॉर्मल रेंज के अंदर ही मूव करते हैं, मतलब जब हम गर्दन हिलाते हैं किसी भी डायरेक्शन में तो ये दोनों साथ में मूव करते हैं। लेकिन जब इनका मूवमेंट नॉर्मल रेंज से बाहर चला जाता है, मतलब C1 और C2 एक सिंक्रोनाइज्ड मूवमेंट ना करते हुए जैसे एक दूसरे के ऊपर से फिसलने लगे या एबनॉर्मल मूवमेंट होने लगे, तब हम इसको C1-C2 इंस्टेबिलिटी कहते हैं। ये चोट लगने से हो सकता है या डीजेनरेटिव कंडीशंस में हो सकता है या रूमेटॉइड अर्थराइटिस, मार्फान सिंड्रोम या फिर ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, इन सिचुएशंस में ये हो सकता है। मोस्ट कॉमनली ये चोट लगने से या ट्रॉमा से होता है। तो जब ये सिम्टम्स इसके इस तरह के होते हैं कि जैसे माइलोपैथी के सिम्टम्स होते हैं, जैसे हाथों या पैरों में सुनपन आना, भारीपन आना, मूवमेंट में दिक्कत होना, मोशन यूरिन का कंट्रोल जाना या चलने में बैलेंस जाना या जकड़न रहना शरीर में, या फिर सर के पीछे इस भाग में जिसको हम सब ऑक्सीपिटल हेडेक कहते हैं वो होना, रेयरली अगर इसमें ब्लड फ्लो वाली वेसल्स दबने लगती हैं तो फेंटिंग अटैक्स या बेहोश होना, सर दर्द होना, आँखों में देखने में दिक्कत या फिर कान में कोई दिक्कत, इस तरह की चीज़ें भी होने लगती हैं जबकि क्रेनियल नर्व इन्वॉल्वमेंट इसमें शुरू हो जाता है। तो अगर इस तरह के कोई सिम्टम है, आपके डॉक्टर ने आपका MRI या एक्सरे किया है जिसमें कि इसका डाउट लग रहा है, तो हो सकता है वो आपका डायनामिक MRI या डायनामिक एक्सरे करें। डायनामिक का मतलब है कि वो मूवमेंट के दौरान दो अलग अलग एक्सरे या MRI करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि क्या C1 और C2 अलग अलग मूव कर रहे हैं। अगर ये अलग अलग मूव कर रहे हैं और ये एस्टेब्लिश हो जाता है कि इसमें C1-C2 इंस्टेबिलिटी है इस पेशेंट में, तो फिर उसका क्लासिफिकेशन होता है। नॉर्मली इसके 4 क्लासिफिकेशन होते हैं जो कि मूवमेंट की लिमिट के हिसाब से होते हैं। रेयर कंडीशंस में या जब इसको जल्दी हम पकड़ लेते हैं शुरुआत के सिम्टम्स में ही, तब हो सकता है कॉलर लगाने से या कुछ दवाइयों से या हेलो ट्रैक्शन से इसका इलाज हो पाए। लेकिन अगर सिम्टम्स ज़्यादा हो गए हैं, हाथों पैरों में वीकनेस है या माइलोपैथी फ्रैंक डेवलप हो गई है या चक्कर बहुत आ रहे हैं या पैरालिसिस की कंडीशन आ गई है, उस सिचुएशन में हमें इसकी सर्जरी करनी होती है। अब इसकी सर्जरी नॉर्मली हम पीछे से करते हैं और उसमें स्क्रूज और रॉड लगा के C1-C2 को हम फिक्स कर देते हैं। इसको पोस्टीरियर सर्वाइकल फिक्सेशन सर्जरी कहते हैं। इसको नॉर्मली हम लोग अगर सेफ्टी बढ़ाना चाहते हैं या हम चाहते हैं सर्जरी में कोई किसी तरह की दिक्कत ना हो, तो हमारे हॉस्पिटल में तो हम इसको OAM या 3D रिकन्स्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के अंडर करते हैं, जिसमें कि हम सर्जरी के दौरान ही एक CT स्कैन जैसी चीज़ होती है उसमें देखते हैं कि स्क्रू प्लेसमेंट एक्यूरेट है कि नहीं, किसी तरह से वेसल इंजरी या नर्व इंजरी ना हो रही हो। साथ ही हम अपने सेंटर में न्यूरो मॉनिटरिंग का यूज़ करते हैं। न्यूरो मॉनिटरिंग मतलब सर्जरी के दौरान ही हम नर्व्स को मॉनिटर करते हैं कि मरीज को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। जब हम OAM या 3D नेविगेशन और न्यूरो मॉनिटरिंग यूज़ करते हैं तो उससे सर्जरी की सक्सेस रेट बहुत बढ़ जाती है। हमारे पास काफ़ी ऐसे मरीज आते हैं जो लेटर स्टेजेस में होते हैं और जिनको सर्जरी की ज़रूरत होती है, तो जब हम इन बातों को ध्यान में रखते हुए नई टेक्नोलॉजी के साथ में सर्जरीज करते हैं तो इसके रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे हैं और मरीज अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस भी चला जाता है। थैंक यू।